हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर के तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो ये जो सारे नोटिफिकेशन आया है आपका 29 जुलाई को, ठीक है, 29 जुलाई को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो एक एक करके डिपार्टमेंट्स चेक करते हैं। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें 14 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें 14 वैकेंसीज है। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 21 वैकेंसीज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 24 वैकेंसीज, केमिकल इंजीनियरिंग 8 वैकेंसीज। नेक्स्ट केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस में 3 वैकेंसीज, फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस में 4 वैकेंसीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 19 वैकेंसीज, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में 10 वैकेंसीज, सिविल इंजीनियरिंग में 18 वैकेंसीज। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट स्टडीज में 10 वैकेंसीज, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस जिसमें आता है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक सब्जेक्ट, तो इसमें 6 वैकेंसी है। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसमें 12 वैकेंसीज है। तो अगर टोटल वैकेंसी आप चेक करें तो फिर यहाँ पे 163 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। ओके तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशंस जो है वो यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशंस रहने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है विद मिनिमम 55% मार्क्स इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं फॉर द पोस्ट। ठीक है, पेमेंट की बात करें तो फिर यहाँ पे अच्छी खासी पेमेंट दी जाती है। तो ये रिक्रूटमेंट एक्चुअली परमानेंट पोजीशन के लिए नहीं है, गेस्ट फैकल्टी के लिए है। तो गेस्ट फैकल्टी के लिए आपका मतलब अच्छी खासी पेमेंट जो है सैलरी मिल जाएगा। ठीक है, जो डिजर्ट कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो अगर इंटरव्यू आपका अच्छा रहा तो फिर अगर आपको मतलब यूनिवर्सिटी अगर कंसिडर करते हैं कि आप डिजर्ट कैंडिडेट्स है फॉर दिस पोजिशन, तो आपको जो है मतलब बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल जाएगी पर मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए आपके इंटरव्यू के लिए कोई TDI आपको नहीं दिया जाएगा, एंड उसके साथ साथ नो क्लेम फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट और रेगुलराइजेशन शैल बी एंटरटेन एट एनी स्टेज। बट यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है हर कोई यूनिवर्सिटी में या फिर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कि जो परमानेंट पोजिशन के लिए जो रिक्रूटमेंट है वो अभी फिलहाल के लिए नहीं किया जा रहा है। बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही रेयर निकलते हैं एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, मतलब बहुत रेयर डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट के लिए, परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट को निकालते हैं। तो यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी को रिक्रूट किया जाता है, एंड गेस्ट फैकल्टी में जो पोजीशन के लिए जो कैंडिडेट्स रिक्रूट हो जाते हैं एक बार, उन्हीं का जो है यहाँ पे कंटिन्यूएशन चलते रहते हैं। ठीक है, कोई कोई यूनिवर्सिटी में उनका जो सैलरी है वो हर पर ईयर के बेसिस पे उनका इंक्रीमेंट होता है, एंड कोई कोई यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। बट जो है यहाँ पे जो आपका, अगर आप चाहते हैं, अब अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, अगर आप कोई करियर में गैप नहीं चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि आपके CV में कोई अच्छी खासी एक्सपीरियंस वैल्यू ऐड करे, तो आपको यहाँ पे जरूर अप्लाई करना है चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अप्लाई, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं एंड सिलेक्ट होते हैं, तो जॉब करते करते आप दूसरे जगह पे भी जो है परमानेंट पोजिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आपका परमानेंट पोजिशन पे हो जाते हैं तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। बट इसके लिए ऐसा होगा कि आपका जो करियर में जो गैप आ जाता है वो नहीं आएगा, एंड आप एक कंटिन्यूएशन में रहेंगे तो आपका जो है फ्लुएंसी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो परमानेंट पोजीशन मिलने का चांसेस जो है बहुत मतलब बहुत इजी हो जाते हैं। वहां पे क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका सालों साल तक आप अगर यहाँ पे जॉब करेंगे टीचिंग पोजिशन में, तो आपका क्या होगा कि एक्सपीरियंस वैल्यू ऐड करते रहेंगे एंड आपका बहुत ही मतलब इजी हो जाएगा फॉर फॉर रिक्रूटमेंट इन द परमानेंट पोजीशन। ठीक है, तो मेरी तरफ से यही सजेशन या फिर एडवाइस जो भी मान लीजिए यही रहेगी कि जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे सिलेक्शन की मतलब चांसेस होते हैं क्योंकि बहुत सारे वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है, 163 वैकेंसीज। तो यहाँ पे आप जरूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए क्या करना है, आपको एप्लीकेशन के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको एक DD करना है, डिमांड ड्राफ्ट आपको लेना है। तो 1500 का इन फेवर ऑफ कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस MMM यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रांच गोरखपुर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो फिर एक एप्लीकेशन फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, तो एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको फिलअप करना है। आप चेक कर सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसको आपको फिलअप करना है, एंड आपको ये कहीं पे सेंड करने की जरूरत नहीं है, ये अपने साथ लेके जाना है इंटरव्यू के दिन। जैसे मैंने बताया कि इंटरव्यू का डेट एंड टाइम जो है वो पोस्टपोन किया गया है,
तो आपको जो डेट है बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, तो आपको रेगुलरली चेक करते रहना है। एंड आपको इंटरव्यू के दिन क्या क्या लेके जाना है, ठीक है, हाफ एन आवर जो यहाँ पे टाइम बताया जाएगा रिपोर्टिंग टाइम, उससे आधा घंटा पहले आप रिपोर्ट कर जाना, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम तो होता है, बट उससे पहले आप अगर पहुंच जाते हैं तो आपका मतलब पैनिक वगैरह थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओरिजिनल कॉपीज आपको अपने साथ लेके जाना है, एंड साथ साथ आपको जो एटेस्टेड कॉपीज, जो जेरोक्स कॉपीज है, वो भी आपको लेके जाना है। सारे जितने भी सारे सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स है आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट्स एंड दोनों दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपने पास रख लेना, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे नोटिफिकेशन है। अब चलिए देख लेते हैं कि जो पोस्टपोन का जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए इसी टैब में आपको मिल जाएगा इंटरव्यू पोस्टपोन फॉर गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट सेशन 23-24 MMM UT। तो यहाँ पे अगर डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7, 8 एवं 9 को निर्धारित की गई थी, जो अपरिहार्य कारण से स्थगित की जाती है। साक्षात्कार हेतु नवीन तिथि की सूचना पृथक से विश्वविद्यालय वेबसाइट पर वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो आपको रेगुलरली यहाँ पे चेक करते रहना है, एंड बहुत ही जल्दी आपका जो है यहाँ पे इंटरव्यू का डेट एंड टाइम आपके पास आ जाएगा। तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहां पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।